हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजयसर्स एकेडमी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमारे FYJC के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 1 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने बहुत सारे अकाउंटिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे थे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आप जब FYJC और SYJC में अलग अलग अकाउंटिंग करते हो तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट का आपको यूज़ आता है। तो आई होप सभी लोगों को फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। यानी इस पूरे चैप्टर के अंदर हम डबल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ से आया था, क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कैसे इसे हम साइंटिफिक अकाउंटिंग मेथड बोलते हैं। तो पूरी की पूरी चीज़ें इसके अंदर पता चलेगी, थोड़ी सी चीज़ें प्रैक्टिकल भी होंगी। इसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में सीखेंगे, किस तरह से इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम पहले कैसा था, अब जाके इन्होंने किस तरह का अकाउंटिंग सिस्टम को अडेप्ट कर लिया है, सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का पर्टिकुलर टॉपिक है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो पहली बात तो ये पर्टिकुलर चीज़ को पहली बार एक इटालियन ने निकाला था, जिसका नाम था लुका डी ब्रागो। इस बंदे ने इसे निकाला था, आज तक 10th नवंबर 1494 को ये पहली बार ये चीज़ हुई थी। उसके बाद से आज तक इसको अकाउंटिंग डे के रूप में मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, इसके द्वारा ये मानना था कि जो भी आपका अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होता है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हमेशा दो एस्पेक्ट पे होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ, कोई बंदा है यहाँ पे ए, कोई बंदा ए है और कोई बंदा यहाँ पे है बी, और अगर इस बंदे ने इस बंदे को गुड्स दिया, क्या दिया, गुड्स दिया, यानी इसने इसको सामान दिया, उसके बदले में इसने इसको पैसा दिया, क्या दिया, कैश दे दिया। जब कोई भी दो बंदे होते हैं और उन लोगों के बीच में कोई गुड्स का लेना या देना होता है, या कैश का लेना या देना होता है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे इस बंदे के हाथ में दो ट्रांजेक्शन आया है, इसके पास से पैसा जाएगा और गुड्स आएगा। जब किसी के पास से पैसा जाता है और गुड्स आता है, तो उसके अकाउंट ऑफ बुक के अंदर हमेशा वो दो ट्रांजेक्शन करेगा, पैसे के जाने का और गुड्स के आने का। वहीं पे जो बंदा बी है, वो भी अपने बुक के अंदर पैसे के आने का और गुड्स के जाने का ट्रांजेक्शन करता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको हमेशा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दो एंट्री लिखनी पड़ती है, दो इफ़ेक्ट देने पड़ते हैं, दोनों इफ़ेक्ट के नाम हैं डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। पूरी चीज़ों को रीड ना करके आप उसे रीड कर सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आपको नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि जिस चैप्टर के अंदर आपका प्रैक्टिकल सेंस आता है वहाँ पे थ्योरी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। तो आई होप सभी लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे देख लेते हैं, आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहली बात तो एक इंडियन सिस्टम है, मैं अगर अकाउंटिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसके अंदर पहले आपका एक है इंडियन सिस्टम, दूसरा जो आपका है वो है इंग्लिश सिस्टम। वो दूसरा क्या है, इंग्लिश सिस्टम है। तो इंग्लिश सिस्टम और इंडियन सिस्टम में डिफरेंस क्या है पहले वो देख लेते हैं। पहली बात तो इंडियन सिस्टम की बात करेंगे कि इंडियन सिस्टम में किस तरह की अकाउंटिंग होती है। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है, पहले से हमने एक चीज़ बचपन से अपने देखी है, जब भी हम कहीं पर भी किसी भी तरह का क्रेडिट पर कोई भी सामान लेते हैं, यानी कहीं से भी कोई उधार लेते हैं, तो दुकानदार क्या करता है, अपने बुक के अंदर वो ये लिखता है कि आपने इस पर्टिकुलर सामान को लिया है। तो पर्टिकुलर सामान को लेने से उसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर सामान को अगर वो ले लेता है तो क्या करेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो अपना एंट्री करेगा। तो वो जो एंट्री होता है वो सिर्फ क्या लिखता है कि आपने ये सामान लेके गया, इतना रुपया आपका बाकी है, जो कि आप फ्यूचर में उसे पे करोगे। लेकिन वो सिर्फ सिंगल लाइन में वो चीज़ों को लिखता है, कभी भी वो डबल एंट्री पे नहीं जाता। लेकिन बाद में जाके इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगती है, जब आप अकाउंटेंसी का बुक बनाते हो, जो प्रॉपर बुक कीपिंग से चीज़ें फाइनल अकाउंट की तरफ जाती है। जिसने मेरा फर्स्ट चैप्टर देखा होगा पूरा, उसे चीज़ समझ में आ रही होगी कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है। जब अकाउंटेंसी की तरफ आप जाते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वहीं पे जब डबल एंट्री सिस्टम आया, किसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम आया, इंग्लिश सिस्टम के अंदर सिंगल एंट्री डबल एंट्री दोनों चीज़ें आई थी।
तो जो इंडियन लोग जो सिंगल एंट्री करते थे उसको बही खाता कहा जाता है, यानी बही खाता में आप सारे के सारे एंट्रीज लिखते हो। इंडियन वाला देखो कि दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली आ कैश बुक एंड पर्सनल्स, कैश बुक के ट्रांजेक्शन इंडियन सिस्टम में होते हैं। वहीं पर अगर मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम के बात बोलूँ तो मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बता दिया, किसी भी अकाउंटिंग फील्ड के अंदर जब आप कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट को ट्रांजेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको डबल एंट्री सिस्टम करना पड़ता है, यानी पूरी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। आपका उसके अंदर डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा, आपके पास सामान आएगा, आपसे सामान जाएगा, उस सारे का सारा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इन्वेल्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसे साइंटिफिक ट्रांजेक्शन कह सकते हो, साइंटिफिक अकाउंटिंग कह सकते हो। डबल एंट्री सिस्टम देख सकते हैं जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं सब के सब टू फोल्ड इफेक्ट रखते हैं, यानी टू फोल्ड इफेक्ट सामान का आना और पैसे का जाना, या पैसे का आना सामान का जाना। हर एक आदमी जब भी अपने अकाउंटिंग की बुक लिखेगा तो उसके अंदर डबल ट्रांजेक्शन करता है, उसी को डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। तो आई होप सभी लोगों को अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। आगे देख लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में आगे कुछ स्टेप फॉलो करके चलने होते हैं, जो पेज नंबर 21 पे दिए हैं आपको, जो सर्कल जैसा डायग्राम दिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपको ये जानना भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अंदर देखोगे आप तो आपको सर्कल टाइप में कोई चीज़ें दी गई हैं, जिसमें पहला आपका है ड्यूअल इफेक्ट। क्या है पहला आपका? ड्यूअल इफेक्ट। तो ड्यूअल इफेक्ट है, पहले आप किसी भी चीज़ का डबल ट्रांजेक्शन करोगे। जैसे हमने ऑलरेडी अभी तक पढ़ लिया है कि आप कोई भी गुड्स को बाइंग एंड सेलिंग करोगे तो उसके अंदर ड्यूअल इफेक्ट तो आएगा, यानी डेबिट एंड क्रेडिट जैसी चीज़ें तो उसके अंदर आनी ही है। आपको दो चीज़ क्या आ जाएगी उसके अंदर? डेबिट आ जाएगी जिसे DR से मेंशन किया जाता है, और क्रेडिट आ जाएगी जिसे CR से मेंशन किया जाता है। डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपको ड्यूअल इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। इस पर्टिकुलर जो पिक्चर आप देख रहे हो राउंड जैसा दिया हुआ है पिक्चर, उसके अंदर सेकेंड है आपका जनरल एंट्री। सेकेंड क्या है आपका? जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या होता है? जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे आपने गुड्स बाय किया, तो गुड्स बाय किया का ट्रांजेक्शन आपको क्या आएगा? जैसे गुड्स अकाउंट डेबिट, आपने 1000 रुपये का सामान बाय किया था, वहीं पे टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कितना का? 1000 का। यानी आप देखोगे तो इस चीज़ को आप इस तरह से लिख सकते हो। ये आपको रफ है, आगे जाके पूरा चैप्टर जब देखेंगे तो प्रॉपर हम ट्रांजेक्शन देखने वाले हैं। अभी बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह का जनरल एंट्री आपको दिखेगा। अभी तक आपने देखा कि डेबिट है और क्रेडिट है, यानी डबल ट्रांजेक्शन आपने कर लिया। उसके बाद अब चीज़ें जब आगे बढ़ेंगी, आप जब उसे जनरल बुक में सारी चीज़ों को ट्रांजेक्ट करोगे या फिर सारी चीज़ों को एंट्री करोगे, तो आप देखोगे गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, 1000 1000 दोनों के अंदर अमाउंट आ जाएगा। तो आई सब लोगों को जनरल एंट्री समझ में आया होगा। जनरल एंट्री में पूरा चैप्टर है, चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस यहीं तक रखते हैं। आगे देखोगे ये चीज़ें फिर वहाँ से बदल करके लेजर पे चली जाती है, ये चीज़ें वहाँ से बदल करके लेजर पे चली जाती है, और लेजर कुछ इस तरह का दिखता है। आपको बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चीज़ें डिटेल में हम बाद में सीख लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे आता है आपका डेबिट, यहाँ पे आता है आपका क्रेडिट। सपोज़ करो ये आपका गुड्स अकाउंट है, ये आपका गुड्स अकाउंट है, आपने गुड्स अकाउंट के लिए बनाया, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो गुड्स अकाउंट डेबिट यहाँ पे आएगा आपका टू कैश, यहाँ पे क्या आएगा? टू कैश 1000। तो ये आपका जनरल एंट्री कुछ इस तरह से दिखता है, लेजर एंट्री कुछ इस तरह से दिखता है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके की दिखती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके बुक में सारी चीज़ों को डिटेल में दिया गया है, एक एक करके सारे चैप्टर्स को जब हम कवर करेंगे तो चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्या है। अगला है आपका बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। जब आप यहाँ पे आके बैलेंस करोगे इसे, जब यहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ बिकेगी या खरीदी जाएगी, यहाँ पे भी आप कोई ना कोई चीज़ आएगी, तो सारे अमाउंट को जब आप टोटल करके लाते हो, यहाँ पे एक टोटल अमाउंट आएगा, यहाँ पे एक टोटल अमाउंट होगा, और दोनों अमाउंट को आप इक्वल लिख देते हो। इक्वल लिख देने से मेरा मतलब है कि पूरे के पूरे अकाउंटिंग को अब जब बैलेंस करके लिखते हो तो उसे बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट कहा जाता है। क्या क्या ट्रांजेक्शन आपने किया, सारे को पहले जनरल में लेके जाओगे, जनरल के बाद चीज़ें आपकी लेज़र में आ जाएंगी, लेज़र में आप ला के क्या करोगे, बैलेंसिंग कर दोगे। आई होप सभी लोगों को यहाँ तक समझा होगा।
आगे देख लेते हैं। एक बार बैलेंसिंग हो गया तो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। क्या बनाते हो आप? ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ें बनाते हो, जिससे टीवी कहा जाता है, आप देख सकते हो वहाँ पे ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ें बनाते हो। तो ट्रायल बैलेंस किस तरह का दिखता है? ट्रायल बैलेंस एक कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा। जनरली आपके बुक में ही आप जब फाइनल अकाउंट चैप्टर ओपन करोगे तो फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन होता है वो पूरा ट्रायल बैलेंस ही होता है। आप देख सकते हो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जितने भी आपके पूरे साल के खर्चे हैं, जितने भी आपके पूरे साल के इनकम है, सारी की सारी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में दी जाती हैं। तो ट्रायल बैलेंस में पूरे के पूरे खर्चे ऑब्वियसली डेबिट साइड में आएंगे, पूरे के पूरे इनकम हमेशा आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। जो डेबिट एंड क्रेडिट दो इफेक्ट हर चीज़ पे लगता है, तो कुछ चीज़ें डेबिट साइड में आएंगी, कुछ चीज़ें क्रेडिट साइड में आएंगी, और लास्ट में ये बैलेंस होता है। लास्ट में कोई भी अमाउंट आएगा ये बैलेंस होगा। और एक बार आपने ट्रायल बैलेंस देख लिया तो ट्रायल बैलेंस के हेल्प से आपको आगे जाके फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के हेल्प से फाइनल अकाउंट कैसे बनता है? ट्रायल बैलेंस में बहुत सारी चीज़ें दी गई रहती है। आप जब देखोगे तो कैपिटल से लेके आपके ट्रेडिंग अकाउंट की सारी चीज़ें, प्रॉफिट क्या हुआ है, आपको पूरे साल में आपने कितने खर्चे किए हैं और कितने आपके इनकम हुए हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। आपके बिज़नेस में क्या क्या असेट है और आपके बिज़नेस में क्या क्या लाइबिलिटी है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर दी गई होती हैं। तो वो सारी चीज़ों को जब आप कंपाइल करके एक साथ देखते हो तो उसे फाइनल अकाउंट कहा जाता है। हम देख लेते हैं किस तरह का अकाउंट बन के आएगा आपका। जब आप ट्रायल बैलेंस हो जाएगा तो ट्रायल बैलेंस आपका तीन अकाउंट बनता है, जिसे फाइनल अकाउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइनल अकाउंट कहा जाता है। तो इस ट्रायल बैलेंस के हेल्प से आप तीन अकाउंट बनाते हो। आपका पहला अकाउंट होता है ट्रेडिंग, आपका दूसरा अकाउंट होता है पीएनएल। पीएनएल मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये। आपका तीसरा अकाउंट होता है बैलेंस शीट। क्या होता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आएगा लायबिलिटी। अब ये सारे के सारे फॉर्मेट उसके अंदर देख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। लायबिलिटी है और यहाँ पे असेट है। तो पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है, फिर आपका बैलेंस शीट बन जाता है। यहाँ पे आपका टोटल लायबिलिटी और टोटल असेट निकल के आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी चीज़ें यहाँ पे निकल के आएंगी। तो अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा, उससे आप पता लगा सकते हो कि आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस। ये सारी चीज़ें अभी मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, बट इन फ्यूचर सारे के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। एक एक ये सारे टॉपिक्स के एक एक के एक एक टॉपिक दिए हुए हैं आपको, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अभी बस मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जहाँ पे आपने अभी तक देखा कि किस तरह से चीज़ें ड्यूअल इफेक्ट से जनरल एंट्री पे आई, जनरल एंट्री से लेजर पे आई, लेजर से ट्रायल बैलेंस पे आई, ट्रायल बैलेंस से हम क्या बना सकते हैं? फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। तो इतना चीज़ आप अगर अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा तो FYJC और SYJC दोनों के दोनों अकाउंटिंग, यहाँ पे आप 11वीं में या 12वीं में जो दोनों आपका अकाउंटिंग दिया रहेगा, पूरा का पूरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आई होप सभी लोगों को यहाँ तक लेक्चर अच्छी तरह से समझा होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट था। आगे हम अलग अलग कन्वेंशन देखेंगे और जल्दी से आपका प्रैक्टिकल से हम अगले चैप्टर में, अगले पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे। तो अभी की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम।